बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में जो है वो मैं आप सभी से जो है वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ कि एक अच्छा कॉलेज कैसे डिसाइड करें। अब देखिए, अच्छा कॉलेज, अब जैसे अगर आप पूछोगे कि मीन्स आप सुनते आ रहे होगे अपने कोचिंग में भी, अपने दोस्तों से भी, रिश्तेदारों से भी, कि IIT बॉम्बे टॉप है। लेकिन क्या IIT बॉम्बे में उतनी सारी सीट्स हैं कि आपको सीट्स मिल पाएंगी? ओके, तो ये बात जो है वो थोड़ी सी वाहियात हो जाती है कि भाई IIT बॉम्बे सबसे अच्छा है, लेकिन क्या IIT बॉम्बे मुझे मिल पाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अगर आपको मिल पाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई करें, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं जो हूँ वो पूरे एट अ होल बात कर रहा हूँ कि मीन्स टॉप जो कॉलेजेस हैं वो सभी को नहीं मिल सकती हैं। तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि जो नीचे वाली कॉलेजेस हैं, नीचे रैंकिंग की कॉलेजेस हैं, या जो नई कॉलेजेस ओपन हुई हैं, आप उनमें एडमिशन ले। तो उस केस में जो है वो अगर आपको कन्फ्लिक्ट होता है कि दो कॉलेजेस के बीच में या फिर तीन कॉलेजेस के बीच में, कि इन तीनों के जो है वो सीक्वेंस में मैं किसे ऑप्ट करूँ, ओके, तो उस केस के लिए जो है वो ये स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं NIRF रैंकिंग की, जो आपको बहुत सारे जो है वो दोस्तों ने, वीडियोज़ ने, और मीन्स आपको पता चल गया होगा NIRF क्या होता है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ NIRF। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आप NIRF रैंकिंग को फोकस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ NIRF रैंकिंग पे आप जाकर जो है वो किसी कॉलेज को ऑप्ट मत कर ले। ओके, कुछ और पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से जो है मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि हैं, आप उसे भी कंसिडर एक बार करें। देखिए, कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी, तो उसी तरह आपको YouTube पे भी जो है वो बहुत सारे अभी जो है वो वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे जो है वो सीनियर्स और जो है वो मेरे साथ के लोग जो है वो आपको वीडियोस बना रहे हैं, टीचर्स भी हैं, तो उन सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो आप जो है वो इस पॉइंट्स को भी एक बार कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो देखो, सबसे पहला मैंने रखा था NIRF, सेकेंड नंबर पे जो है वो मेरी आती है वो है एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, बहुत सारे जो है वो लोगों को ये चीज़ थोड़ी वाहियात लगती है कि एस्टेब्लिशमेंट्स का भाई मीन्स डिसाइड करने से क्या लेना देना, लेकिन आप इसे समझो कि अगर कहीं पे, ओके, मीन्स अगर एक घर है वहाँ पे आपके बूढ़े हैं, बूढ़े दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना नानी हैं, और एक ट्रेडिशन चला आता है, तो जो आगे वाले जो है पोता और नाती होते हैं उन्हें थोड़े से शिष्टाचार और नियम जो है वो अच्छे से पता होते हैं। इन द सेम वे कॉलेज में भी बात चलती है कि अगर कोई कॉलेज नया है, ओके, तो उसे जो है वो काम करने का उतना जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ी सी चीज़ों में वहाँ पे उलझने आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बशर्ते उन कॉलेजेस के कंपैरिजन में जिन कॉलेजेस का एक रेपुटेशन है और जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत पहले के कॉलेजेस हैं। ओके, और दूसरी जो है वो फैक्टर आती है कि जब भी प्लेसमेंट होती है तो कंपनीज जो है वो कंपनीज के मन में भी बना रहता है कि ये कॉलेज जो है वो बहुत ही ओल्ड है, तो चलो यहाँ पे भी पहले जाते हैं, ऐसा जो है वो कंपनीज का भी थोड़ा रहता है, जो मैंने जो है वो पिछले साल ऑब्जर्व किया था। ओके, तो इसलिए जो है वो मैंने इस्टेब्लिशमेंट को एक बार एक जो है वो सेकंड नंबर पॉइंट पे रखा। थर्ड नंबर पे जो है वो मैं रख रहा हूँ अवे फ्रॉम होम। ओके, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप सोच सकते हो कि भाई इस पॉइंट का क्या लॉजिक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ कि एक यूपी का बच्चा है, ओके, यूपी उत्तर प्रदेश का जो है वो एक स्टूडेंट है, और उसे जो है वो कॉलेज मिल रही हो अरुणाचल प्रदेश में, और एक अरुणाचल प्रदेश का बच्चा है उसे कॉलेज मिल रही है श्रीनगर में। अब बताओ आप कि इसमें जो है वो आप क्या जाना पसंद करोगे? अगर आप दोनों जगह पे अपने आप को रख के देखो, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी, वहाँ का, अब उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का और श्रीनगर का दूरी देखो, ट्रेडिशन देखो, खान पान देखो, ओके, लैंग्वेजेस देखो, तो आपको जो है वो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ओके, और आप 4 साल आप सोच रहे हो कि मैं जाऊँगा वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में बात होती है? जी नहीं, सिर्फ इंग्लिश में बात नहीं होती है। ओके, तो इसलिए आप वैसे जो है वो कॉलेजेस को थोड़ा टारगेट करें जो जहाँ पे जो है वो आपके मीन्स खान पान भी मैच करती हो, और लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये सभी भी जो है मैच करती हो, और दूरी भी जो है मैटर करती हैं, क्योंकि आपको कभी कभी इमरजेंसी में जो है वो घर पर लौटना पड़ जाता है जल्दी में, तो उस केस में जो है वो अगर नज़दीक रहता है तो आपके लिए एक अपर हैंड है कि आप जो है जल्दी घर को अप्रोच कर सकते हो कॉलेज से। ओके, लेकिन अगर वो दूर रहेगा तो फिर उस केस में जो है आपके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो इसलिए जो है वो ये भी पॉइंट्स मैंने रखा। उसके बाद जो है वो फिर आती है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। हालांकि इस पॉइंट को मुझे अपर रखना चाहिए था कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप जो है वो फाइनली बीटेक कर रहे हो, जॉब मतलब आपको चाहिए, तो प्लेसमेंट कैसा है किसी कॉलेज का। ओके, अगर उसके वेबसाइट, अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा? तो देखो, पहला तो सोर्स है कि आप जाके उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लो। ओके, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, गुड, अगर नहीं है आप जो है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। ओके, कि कैसी जो है वो कॉलेज की रेपुटेशन रही है पास्ट, जब से भी वो ओपन हुई है तब से, ओके, या फिर जब से डेटा अवेलेबल है तब से।
पर्टिकुलर ब्रांच वाइज भी आप देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल थे, कितने स्टूडेंट्स को जो है वो प्लेसमेंट लगी, और ये सभी जो है मतलब कि एकदम डिटेल में जो है वो मैंने तो देखा है। ओके, मैं अपने कॉलेज का भी देखा है मैंने, और बहुत सारे जो है वो कॉलेज NITs का भी मैंने देखा है इसे ऐसा। ओके, तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी मैटर करती है। फिर आती है परमानेंट कैंपस की और टेम्पोररी कैंपस की। तो देखिए, परमानेंट टेम्पोररी कैंपस क्या है? परमानेंट कैंपस वो कॉलेजेस मतलब जिनके जो है वो परमानेंट हॉस्टल्स हों और परमानेंट मीन्स कैंपस भी हो। कैंपस वो जहाँ पे पढ़ाई होती है और हॉस्टल जहाँ पे आप रहते हो। ओके, कभी कभी कैंपस के अंदर में हॉस्टल होती है, कभी कैंपस के बाहर हॉस्टल होती है। ओके, तो जब जो है वो कैंपस वेल डेवलप नहीं होता है तो उस केस में जो है वो आपकी पढ़ाई कहीं और होती है और रखा आपको कहीं और जाता है। ओके, तो ऐसा भी जो है वो केसेस हैं, अभी भी हैं। ओके, और मैंने जब पिछले साल देखा था तो कुछ ऐसे केसेस जो भी मुझे मिले थे मैंने उसे सीधा साइड कर दिया था। ओके, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि अगर मुझे कॉलेज से अपने मीन्स अपने हॉस्टल से कॉलेज जाने में मुझे 45 मिनट लग रहे हैं बस से, फिर मुझे आने में ऐसा समय लग रहा है, तो आप समझ सकते हो कि एक तो इंजीनियर्स वैसे ही जो है वो लास्ट मोमेंट पे अपनी सभी काम करते हैं, और आपको जो है वो एक रूटीन में बन जाना पड़ेगा कि मुझे 45 मिनट्स पहले जो है वो तैयार होना पड़ेगा और कॉलेज को पहुंचना पड़ेगा, बस आएगी, बस जो है आपको लेके जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो है क्लास मिस, अगर एग्ज़ाम का दिन है तो एग्ज़ाम मिस, हालांकि एग्ज़ाम के दिन आप ऐसा नहीं करोगे। तो प्लेस परमानेंट कैंपस और टेम्पररी कैंपस का भी आप ध्यान रख लेना। जिस कॉलेज में भी जो है वो परमानेंट कैंपस हैं उनको अपर प्रायोरिटी देना, उन कॉलेजेस के जिनकी जो है वो प्रायोरिटी जिनकी जो है वो कैंपस और हॉस्टल जो है वो टेम्पररी हैं। ओके, तो आई होप कि यह बात आपको समझ में आई होगी। फिर जो है वो बात आती है कि रिव्यूज़ की, मीन्स रिव्यूज़ आप देखो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कि कॉलेज की रिव्यूज़ कैसी है, मीन्स वहाँ के जो है वो स्टूडेंट जो कि पास आउट हैं, लिंक्डइन पे आप जो है वो एक चाहे तो उनका जो है वो देख सकते हो। लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स मिल सकते हैं जो सीनियर आपको मिलेंगे, तो उनको जो है वो पर्सनली आप डायरेक्ट मैसेज करके भी अगर हो सके तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फेसबुक है, इंस्टा है, और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी कॉलेज के जो है वो सीनियर आपको मिल जाते हैं तो वो आपको बेटर बता पाएंगे। आप ये बात को समझते हो कि जो उस जिस बंदे ने 4 साल अपनी पढ़ाई की है जिस कॉलेज में, उससे बेटर आपको कौन बताएगा। ओके, तो आप जो है वो उनसे भी सोशल मीडिया से चाहे तो कनेक्ट हो सकते हो। ओके, उसके बाद जो है वो फीस, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको सरकारी कॉलेज अलॉट होती है तो आपको जो है वो सरकार पैसा भी देती, सॉरी बैंक्स जो है वो पैसे भी दे देती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो आपको फैसिलिटी देती है लोन का, एजुकेशन लोन का। तो इसलिए मैं इस फीस को थोड़ा नीचे में रखा क्योंकि कॉलेज अच्छा होना चाहिए भाई। ओके, क्योंकि थोड़े से पैसे पहले में दिक्कत हो सकते हैं मीन्स स्टार्टिंग डेज में, लेकिन आपको जॉब अच्छी लग जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, कैरियर बन जाएगा, तो आप सभी लोन्स को जो है वो आराम से जो है वो सधा सकते हो। तो इसलिए फीस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपकी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब हो और आप जो है वो किसी बहुत ख़राब IIIT में चले जाओ। IIIT की फीस वैसे ही 1-1.25 लाख रुपये रहती है पर सेमेस्टर, यानी एक साल के आपको 2-2.5 लाख रुपये लगेगी। तो वो मैं नहीं कहूँगा कि आपकी फैमिली को मतलब कि आप एकदम भूखे मरने दो और आप जो है वो पढ़ाई करो जाके 2 लाख रुपये वाले कॉलेज में, 2.5 लाख रुपये सालाना वाले कॉलेज में। तो इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान से समझें। और हालांकि NITs में तो ऐसा सिस्टम है कि आपको जो है वो फुल वेवर मिलता है, तो इसलिए फीस को जो है वो मैंने आपको ऊपर में नहीं रखा था। तो आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। और फाइनली एक जो है वो लोकेशन का भी इशू रहता है। जैसे अगर आप जो है वो इंडिया के मैप को देखो तो ऊपर वाले जो एरियाज़ हो गई, ओके, उत्तराखंड में जो कॉलेजेस आएंगे या फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर उधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो थोड़ा हिली एरियाज़ में भी पड़ता है। ओके, तो हिली एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट का भी हल्का इशू रहता है। डायरेक्ट जो है वो प्लेन नहीं है कि आप जो है वो सीधा जाओ, तो ट्रांसपोर्ट, हालांकि आप अगर आप ट्रेन पे बैठोगे तो आपको तो नदी पार नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मीन्स लोकेशन आप देख लेना कि कॉलेज की दूरी कहाँ है, मेन टाउन से कितनी जगह दूर पर है। ओके, तो ये सभी चीज़ें भी थोड़ी मैटर करती हैं। ओके, अब कॉलेज अगर अच्छा हो तो ये सभी चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती हैं कि आपको दूरी कितनी पड़ती है, कुछ है भी या नहीं है, मीन्स एकदम ख़राब इलाका में है, फिर भी जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो कॉलेज अच्छे होने के बाद की बात है। लेकिन अगर कॉलेज जो भी अगर आप नीचे जा रहे हो और इन सभी चीज़ों से भी कंप्रोमाइज़ कर लो, वो सही नहीं है। मीन्स अगर आप कॉलेज अच्छा मतलब नहीं ले रहे हो तो इन सभी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ क्यों करना भाई। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी, कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिए थे वो आपको समझ में आया होगा। ओके, और आई होप सो कि आप जो है वो
कॉलेज को अच्छे से चुनोगे, कॉलेज और ब्रांच का जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जो है वो आपकी फ्यूचर जो है वो करियर ऑप्शंस भी अच्छे बन पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके जो है वो मैक्सिमम डाउट्स को सॉल्व करने की, और फिर भी अगर मैं आपके क्वेरी का जवाब नहीं दे पाऊँ सो प्लीज़ रिग्रेट पार्डन मी सॉरी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप समझ सकते हो मेरी भी जो है अभी एग्जामिनेशंस आने वाली है मिड सेम की, तो उसके लिए जो है पढ़ना है। सो आई होप कि आपको जो है वो ये कॉलेज के रिगार्डिंग जो भी डाउट होगी वो क्लियर हो गई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।